एक गांव में एक राम नाम का व्यक्ति होता था। वह बड़े मेहनत से खेतीबाड़ी करता था, लेकिन एक बार मौसम सही नहीं होने के कारण उस गांव में बारिश नहीं हुई, जिससे राम का खेत पूरी तरीके से सूख नहीं वाला था। और इसलिए राम ने सोचा कि उसके पड़ोसी श्याम से मदद मांगी जाए। तो राम श्याम के पास जाता है और जाके बोलते हैं, श्याम, मेरा खेत पूरी तरीके से सूख चुका है, क्या तुम अपने कुएं से मुझे पानी दे सकते हो? तो श्याम बोलता है, कुएं के पानी से तुम क्या करोगे, एक काम करो ना, तुम ये पूरा कुआं ही खरीद लो। तो राम सोचता है कि एक बार में मैं कुआं ही खरीद लेता हूँ, क्योंकि मौसम तो गड़बड़ाते रहता है, अगले साल भी अगर बारिश नहीं हुई तो फिर मुझे इसके पास पानी लेने आना पड़ेगा, और हर बार पानी मांगना अच्छा भी नहीं लगता, तो क्यों ना मैं इससे पूरे कुएं को ही खरीद लेता हूँ। तो राम राजी हो गया। तो राम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा कुआं खरीदने को तैयार हूँ, तो इसके कितने पैसे हुए? तो श्याम ने बोला, इसके 1000 सिक्के लगेंगे। तो राम बोलता है, ठीक है, मेरे पास तो नहीं है अभी, मैं कहीं से ला के तुमको देता हूँ। और अपने जुबान अनुसार एक हफ्ते बाद वो श्याम को 1000 सोने के सिक्के दे देते हैं और बोलते हैं कि आज से ये कुआ मेरा हुआ। और वो दिन तो कट जाता है। अगले दिन वह कुएं से पानी लेने जाता है तो श्याम उसे रोक देता है। तो राम बोलता है, मुझे यह पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो, ये पानी में तो मेरा हक है, मैंने तुमसे एक कुआ खरीद लिया। तो श्याम बोलता है, तुमने क्या खरीदा, फिर से बोलो। तो राम बोलता है, मैंने ये कुआ खरीद लिया। तो श्याम बोलता है, तुमने यह कुआ खरीदा है, लेकिन इसके अंदर जो पानी है वो मैंने नहीं बेचा है, वो अभी भी मेरा ही है, तो तुम इस पानी को नहीं ले सकते। हाँ, तुम कुएं को ले सकते हो, इसके ऊपर बैठ सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर का जो पानी है वो मेरा है। तो राम बोलता है, श्याम, ये तुम गलत कर रहे हो, मैं इसके खिलाफ न्यायालय में जाऊंगा और महाराजा अकबर से तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगा। तो श्याम बोलता है, चले जाओ, मैंने तो बोला ही है कि ये कुआ तुम्हारा है, इसके अंदर का पानी मैंने नहीं बेचा है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको मैं कहानी सुनाऊं। तो आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो यह जर्नी में आप भी मेरे साथ जुड़ जाओगे और हम दोनों मिलके इस चैनल को बहुत बड़ा बनाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे की कहानी सुनो। तो इसमें राम महाराजा अकबर के पास जाते हैं और जाके बोलते हैं, महाराजा, मैंने यह कुआं खरीदा, लेकिन इसकी जो पानी है वो बोल रहा है कि यह पानी उसने नहीं बेचा। तो अकबर बोलता है कि तुमने कोई रसीद लिया है? तो वह रसीद दिखाता है और रसीद में साफ साफ लिखा रहता है कि इस कुएं का मालिक राम है, लेकिन पानी के बारे में कुछ नहीं लिखा रहता। तो श्याम को दरबार में बुलाया जाता है और श्याम आके बोलता है, महाराजा, सामने आपके सब चीज रखा हुआ है, मैंने तो बस कुआं बेचा, लेकिन इसके अंदर का पानी तो मेरा है ना, तो मैं इसको पानी कैसे दे दूं? तो अकबर भी सोचता है कि ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन राम भी गरीब इंसान है, इसने पैसा दिया है, इसकी भी हमें मदद करनी चाहिए। तो महाराजा अकबर बीरबल को बुलाता है और सारी कहानी बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, इस तरीके से श्याम बोल रहा है कि मैंने सिर्फ कुआं बेचा है, पानी जो है उसमें अभी भी मेरा हक है। तो उसमें बीरबल मुस्कुराता है और मुस्कुरा के श्याम को बोलता है, अच्छा, तुमने बस कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा है ना? तो श्याम बोलता है, जी महाराज, मैंने सिर्फ कुआं बेचा है, इसके अंदर का पानी अभी भी मेरा ही है। तो इसमें बीरबल बोलता है, ठीक है, आज से तुम्हें हर महीने 500 सोने के सिक्के देने होंगे। तो इस पे श्याम चौंक जाता है और बोलता है, क्यों, मुझे क्यों हर महीने 500 सोने के सिक्के इनको देने होंगे? तो इसमें बीरबल बोलते हैं, क्योंकि इसने कुआं खरीदा है और कुएं के अंदर जो पानी रखा है वो तुम्हारा है, कुएं में तुमने पानी रखा है, उसका हर महीना तुम्हें जुर्माना देना होगा, जो कि 500 सोने के सिक्के होंगे। यह सुनकर राम और महाराजा अकबर हंस पड़ते हैं और बोलते हैं, हाँ, बिल्कुल सही कहा, ये पानी तुम्हारा है और तुमने राम के कुएं में रखा है, तो हिसाब से तो तुमको राम को हर महीने पैसे देने होंगे। कोई बात नहीं, इसने बस कुआं खरीदा, अभी भी पानी तुम्हारा है और हर महीने तुम 5000 सोने के सिक्के दोगे। तो यह सुनकर श्याम घबरा जाता है और माफी मांगता है और बोलता है, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे अंदर लालच आ गया था, मैं ये कुआं दोबारा 1000 सोने के सिक्के से खरीदने को तैयार हूँ। तो इसमें अकबर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, नहीं, यह कुआं अब से राम का हुआ और तुमने जो झूठ कहा उसके तौर में जुर्माना, तुम्हें 1000 सोने के सिक्के राम को देने पड़ेंगे। ये बोल के दोनों को वो दरबार से बाहर भेज देते हैं और राम इस फैसले से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी से हम क्या सीखते हैं? दोस्तों, चालाकी करो, लेकिन जिससे दूसरों का नुकसान हो ऐसी चालाकी मत करो, वरना वो लौट के ना तुम पर ही आ जाएगा और तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा।